गाइस मेरा नाम है सुमा, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे MIUI 13 का सिस्टम लॉन्चर का अपडेट निकल के आ चुका है। वैसे तो मैंने MIUI 13 के सिस्टम लॉन्चर की बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है जो कि लॉन्च होने से पहले निकल के आई थी, लेकिन ये है लॉन्च होने के बाद, जब लॉन्च हो उसके बाद ये सिस्टम लॉन्चर का अपडेट निकल के आया, जिसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं इस अपडेट के अंदर। वो बताऊंगा कौन कौन से फीचर और कैसे अपने फ़ोन के अंदर इस लॉन्चर को इंस्टॉल कर सकते हैं। बस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना, मतलब आगे मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करना। और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, और वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना यार, 200 लाइक करता हूँ, आई होप आप इसे कंप्लीट कर देंगे। चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली देखते हैं, ये है MIUI 13 का सिस्टम लॉन्चर का अपडेट जो कि अभी लेटेस्ट निकल के आया है। इसका वर्जन भी चेक करा दूंगा, अभी इसको डाउनलोड मत करना। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका डाउनलोड लिंक दिया है, पहले वीडियो वॉच कर लेना, उसी के बाद इसको डाउनलोड करना। फिलहाल के मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ अपने फ़ोन के अंदर और आपको दिखाता हूँ क्या कुछ फीचर ऐड हुए हैं इस अपडेट को करने के बाद। पहले भी MIUI 13 का पहले आ चुका था, लेकिन इसमें दो फीचर, मतलब दो से तीन फीचर नए एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए ये इंस्टॉल हो चुका और इसका वर्जन देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ 4.26 इसका वर्जन था, अभी लेटेस्ट अभी निकल के आया। तो फिलहाल के लिए इंस्टॉल हो चुका है, आप होम स्क्रीन पर जाते हैं और MIUI 13 वाला आपको एनिमेशन भी देखने को मिल जाता है जो पहले भी था अभी भी है इसके अंदर। तो फिलहाल इंस्टॉल तो हो चुका है, और एक चीज़ आपको और जरूर से बता दूं कि ये जो फीचर है ना कई कई फ़ोनों के अंदर शो कर रहा है और कई फ़ोनों के अंदर नहीं कर रहा है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई फोन इस फीचर को सपोर्ट कर रहे हैं, कई फ़ोन इस फीचर को सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। देख सकते हैं मैं कोई भी चाइनीज़ रोम यूज़ नहीं कर रहा, सबसे पहले ये दिखा दूँ, इंडिया रोम यूज़ कर रहा हूँ और इंडिया रोम में ही आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर पिंच आउट किया और यहाँ पर सेटिंग पैनल पर गया और यहाँ पर एक फीचर मुझे देखने को मिला जिसका नाम है डोंट शो टेक्स्ट। अब ये क्या फीचर है आपको दिखा देता हूँ, इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद यहां पे देखते हैं जो भी आइकन है ना उस पर कोई भी टेक्स्ट नहीं दिखा रहा, मतलब इसका क्या नाम है, गैलरी का क्या नाम है, ऐसा नहीं पता लग रहा, सबके टेक्स्ट जो वो रिमूव हो चुके हैं। तो यहां पे देखते हैं ये एक फीचर इसके अंदर ऐड हुआ है, डोंट शो टेक्स्ट। वैसे पिंच आउट करेंगे तो इसके नीचे आपको नाम जरूर से जरूर देखने को मिल जाएंगे, तो इसको आपको हाइड करना है टेक्स्ट को, तो ये इसके अंदर आप आसानी से हाइड कर सकते हैं इस अप लॉन्चर के अपडेट के अंदर। तो ये किसी किसी फोन के अंदर फीचर आ रहा है, किसी किसी फोन के अंदर नहीं आ रहा, आप बताना आपके फोन में आया कि नहीं आया। रेडमी नोट 10 प्रो में तो आ रहा है और काफी सारे डिवाइसों में और भी हो सकता है आ रहा हूं। अब इसको अनेबल करने के बाद एक फीचर आपको और देखने को मिलेगा, यहां पे क्लिक करता हूं और यहां पे सेटिंग में जाता हूं तो यहां पे 4:7 का एक नया ऑप्शन ऐड हो चुका है। पहले दो ही ऑप्शन थे, 4:6, 5:6, अब देखते हैं 4:7 का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। ये फीचर इसको अनेबल करने के बाद देखने को मिलेगा आई थिंक। देखते हैं, पिंच आउट करता हूं और सेटिंग पे जाता हूं तो यहां पे दो ही ऑप्शन है, इसको अनेबल कर दूंगा तो यहां पे तीन ऑप्शन हो जाएंगे इसके अंदर। देखते हैं 4:7, 5:6, तो इस प्रकार से देखने को मिल जाता है, मतलब एक रो के अंदर अब सात यहां पे रो देखने को मिलेंगे, तो इस प्रकार से देखने को मिलता है। अभी एक देखते हैं इसको अनेबल करने के बाद सेटिंग में भी देखने को मिलता है कि नहीं देखने को मिलता। हम जाते हैं यहां पे होम स्क्रीन के अंदर, होम स्क्रीन के अंदर जाने के बाद यहां पे भी ये ऑप्शन आ चुका है, देखते हैं 4:6, 5:6 और यहां पे 4:7 का भी ऑप्शन इसके अंदर ऐड हो चुका है। हालांकि आपको ये फीचर अनेबल करके रखना पड़ेगा, यहां पे भी ये फीचर देखने को मिलता है, देखते हैं डोंट शो टेक्स्ट, देखते हैं होम स्क्रीन के अंदर भी, और यहां पे भी ये फीचर देखने को मिल जाएगा और विजिट वगैरह थोड़े बहुत इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। विजिट वाला फीचर अभी ऐड नहीं हुआ जो कि ओनली फॉर अभी चाइना के लिए है, अभी वर्क नहीं कर रहा, जब इंडिया में शायद तक ऑफिशियल अपडेट आएगा, जब वर्क करेगा आई थिंक एक दो अपडेट और आएंगे, एक दो वीक में अपडेट आए शायद तक विजिट वाला भी फीचर इसके अंदर वर्क करने लग जाए जो चाइना यूजर्स को देखने को मिला है MIUI 13 के साथ, वो काफ़ी अच्छा फीचर है। जैसे वो अपडेट आएगा उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और एनिमेशन वगैरह काफ़ी इसके अंदर चेंज किए गई, काफ़ी अच्छी स्मूथनेस भी देखने को मिल रही है। तो देखते हैं काफ़ी परफेक्टली तरीके से वर्क कर रहा है MIUI 13 का सिस्टम लॉन्चर। तो ये दो तीन फीचर इसके अंदर अब एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कई लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बोलेंगे कि आपका फोन भी MIUI 13 जैसा देखने को मिल रहा है, तो देख सकते हैं मेरे फोन के अंदर MIUI 12.5 है, लेकिन मैं MIUI 13 के यहाँ पे फोन को यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑफिशियली रिलीज हो चुकी है MIUI 13 की यहाँ पे, मतलब कि आपको क्या करना है, अपने थीम स्टोर में जाना है, थीम स्टोर में जाने के बाद फोन सर्च करना और यहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा MIUI और LATE, ये सर्च करेंगे, इसको आपको सर्च कर लेना है, आपको दिखा देता हूँ वापस से। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फ़ोन देखने को मिलेगा और इसको डाउनलोड कर लिए अपने फ़ोन के अंदर अप्लाई कर लीजिएगा और रिबूट कर दीजिएगा एक बार, ताकि परफेक्ट तरीके से ये मतलब अप्लाई हो पाए। वैसे कि आप तो रिमूव हो जाए, एक बार रिबूट का ऑप्शन जरूर मांगेगा, तो रिबूट जरूर से जरूर कर दीजिएगा, कई लोग बिना रिबूट के ही कर देते हैं जिसके कारण ढंग से वर्क नहीं करता। रिबूट करने के बाद आपके फ़ोन के अंदर MIUI 13 का फॉन्ट भी यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा, तो MIUI 13 का फॉन्ट का भी आप अभी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो पसंद आई,
तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उसको भी पता लगे इस फीचर के बारे में। तो डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम पे इसका लिंक दे दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।